हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंसम इंटरनेशनल स्कूल सो टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर थ्री ऑफ योर क्लास एट जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट ग्लिम्पसेस ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट पास्ट का का मतलब मतलब होता है की कुछ झलकियां झलक ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक और पास्ट की कुछ झलकियां मतलब आपको पास्ट में लेके जाएंगे पास्ट की स्टोरी सुनाएंगे एक इवेंट के बारे में बताएंगे क्या है वो इवेंट सबसे पहले इसके राइटर कौन है इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इनके राइटर का का नाम नाम है एस एस डी डी सावंत 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 पूरा नाम क्या था था शिवाजी जिनका जन्म हुआ अगस्त को और इनकी डेथ हुई थी एटीन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड टू में वॉज एन इंडियन नॉवलिस्ट इन द मराठी लैंग्वेज जो कि क्या थे इंडियन नॉवलिस्ट थे नॉवलिस्ट मतलब कि जो नॉवल लिखते हैं वो नॉवल को हिंदी में अपन उपन्यास बोलते हैं तो वो लिखते थे और वो मराठी लैंग्वेज के अंदर लिखा करते थे ही इज नोन मृत्युंजयकार मृत्युंजयकार मतलब क्या है मीनिंग मेकर ऑफ मृत्युंजय इन्होंने क्या किया था एक मृत्युंजय नाम की एक बुक लिखी लिखी थी वो तो राइटिंग द फेमस मराठी नोवेल मृत्युंजय मतलब कि एक फेमस जो मराठी एक नॉवेल है जिसका नाम है मृत्युंजय वो इन्होंने लिखा था जो कि इनका सबसे फेमस वर्क था और ही वॉज द फर्स्ट मराठी राइटर टू बी अवॉर्डेड विदूर्ति और ये पहले ऐसे मराठी पर्सन थे पहले ऐसे मराठी जिनको मूर्ति देवी अवार्ड दिया गया था कब दिया गया था नाइनटीन के अंदर चलिए आगे चलते हैं सबसे पहले आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ ये चैप्टर आपका एक पिक्टोरियल एक चैप्टर है मतलब इसके अंदर आपको खूब सारी पिक्चर्स दी हुई हैं जैसे आप लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं कॉमिक्स के अंदर क्या होता है खूब सारी पिक्चर्स दी होती हैं हैं पिक्चर्स के साथ में ये स्पीच स्पीच बबल्स दी होते हैं। बबल्स दिए होते का मतलब कि जो कैरेक्टर जहां पर खड़ा है उसी के साथ में स्पीच बबल है और वहीं पे वो क्या बात कर रहा है वो उस बबल के अंदर लिखा हुआ होता है आप लोगों ने जैसे कॉमिक्स पढ़ी होगी आजकल नहीं पढ़ी होगी तो भी अपन नेटवेट पर आजकल ऐसे कार्टून्स को अपन ऐसे स्पीच बबल के अंदर बात करते हुए देखते हैं उस तरह का ये चैप्टर है तो इसका सबसे पहला जो आप ये पिक्चर यहां पर देख सकते हैं इस पहले पिक्चर के अंदर सबसे पहले आपको बता दू कौन कौन दिखाई दे रहा है ये है लता मंगेशकर माइक पे खड़े होके कुछ गा रही है ठीक है ये है जवाहरलाल नेहरू और ये है इंदिरा गांधी और ये बीच में कौन है इन पहचान के देखिए कौन है सबसे पहले तो लता मंगेशकर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू उसके बाद है इंदिरा गांधी और बीच में कौन है लाल बहादुर शास्त्री तो सब आपको पिक्चर्स के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कुछ प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम के अंदर लता मंगेशकर जी खड़ी हैं और कुछ गाना गा रही हैं और क्या गाना गा रही हैं ये आपका जो पिक्चर के अंदर जो बबल में जो आपका स्पीच लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है तो सबसे पहला जो आपका पार्ट है द मार्टियस मार्टियस मतलब क्या होता है शहीद जो तो हमारे ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए हमारा ये एक चैप्टर है कि जब फॉरिनर्स ने जब अंग्रेजों ने जब ब्रिटेनर्स ने हमारे जब इंडिया पर जब कब्जा कर लिया था जब उन्होंने हमारे इंडिया पर कॉन्क्वेस्ट कर लिया था उस टाइम पीरियड की ये कुछ स्टोरी आपके अंदर दी गई है तो सबसे पहला है शहीदों के बारे में यहाँ पे लता मंगेशकर जी गाना गा रही है यहाँ पर वो गाना इंग्लिश में लिखा हुआ है क्या गाना है कौन सा गाना है ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज फील विद टीयर्स एज योर रिकॉल द सेक्रीफाइसेज ऑफ इंडियन माइ ट आपको पढ़ के थोड़ा सा ही पता चला होगा कि कौन सा गाना है थोड़ा सा पढ़ के आप लोग पता कि कौन सा गाना बहुत ही फेमस गाना है शायद सब ने सुना होगा ओ माई कंट्री मैन मेरे वतन के लोगों लेट योर आइज फिल जरा आंख में भर लो पानी अब तो आपको याद आ गया होगा ये वही वाला सॉन्ग है जो कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और यही वाला सॉन्ग लता मंगेशकर जी यहाँ पर खड़े होकर किसी प्रोग्राम के अंदर चलिए दूसरी पिक्चर के अंदर आपको क्या दिखाया गया है दूसरी पिक्चर के अंदर द कंपनीज़ कॉन्क्वेस्ट 1757 से लेके 1849 तक कंपनी यहाँ पर किसको बोला गया है जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए थे तो जो वो ब्रिटिशर्स की आज आर्मी थी उनके जो ऑफिसर थे तो उनको सबको मिला करके हम उसे कंपनी का नाम देते हैं उसे कंपनी कह के, के बोलते हैं जो कि कब आए थे कॉन्क्वेस्ट का मतलब उन्होंने जब हमारे इंडिया पर कब्जा करना चालू कर दिया था कब से लेके कब तक कर दिया था 1757 में आए थे और 1849 तक उन्होंने ये काम करना चालू किया तो सबसे पहले देखो आपको पिक्चर्स के अंदर क्या दे यहाँ पे एक मैप दे रखा है आपको इंडिया का सबसे पहले देखो इंडिया का मैप थोड़ा सा अलग है इस मैप के अंदर क्या दिया गया है इंडियन प्रिंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये जितना भी येलो वाला पार्ट है तो ये सेवनटीन सिक्सटी फाइव का था 1765 के अंदर क्या था इंडियन प्रिंसेस जो हमारे पहले इंडिया के अंदर जो राजा महाराजा हुआ करते थे पहले ये येलो वाला पार्ट उनका हुआ करता था ये देखिए कितना बड़ा पार्ट है जो कि यहाँ पर हमारे जो जो किंग्स थे थे या फिर जो प्रिंस थे, वो लोग यहाँ पर अपना राज किया करते थे उनका ये जो है ये सारी जगह उनकी थी और ब्रिटिश आर्मी की जो जगह है ये केवल पिंक वाली है देखिए यहां से लेके यहां बस ये कब तक है सेवनटीन तक है ना मतलब अभी वो लोग आना चालू हुए थे उन लोगों ने आना चालू किया और यहाँ तक उन्होंने अपना ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर भी है। तो ये वाला पार्ट उन्होंने अपने वो कॉन्कर कर लिया था लेकिन अभी तक बहुत बड़ा पार्ट इंडिया के पास ही था इंडिया किंग्स के पास था यहाँ के प्रिंस के पास था तो इसके अंदर देखो पहले क्या लिखा हुआ है विद इट्स सुपीरियर द ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन एटीन सेंचुरी इन इंडिया क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स के पास क्या था सुपीरियर पावर थे मतलब, इकोनॉमी थी उससे स्ट्रॉन्गर थे जो कि वो ब्रिटिशर्स थे तब क्या था उनके पास उस समय के ज्यादा पावरफुल हथियार थे या फिर सब तरीके से वो क्या थे संपन्न थे सब तरीके से वो लोग इंडिया से स्ट्रोंगर थे तो उन्होंने क्या किया सबसे पहले आते ही with the superior weapons the british east india company was extending its power in 18th century in india 18वीं शताब्दी के अंदर 18th century के अंदर उन्होंने अपना एक्सटेंड करना चालू कर दिया अपनी पावर को या फिर अपनी आर्मी को पूरे इंडिया में एक्सटेंड करना चालू कर दिया था इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड क्योंकि क्या थे इंडियंस के जो प्रिंस थे या फिर जो भी राजा महाराजा थे वो शॉर्ट साइटेड थे मतलब दूर की नहीं सोचते थे शॉर्ट साइटेड होने का मतलब मतलब कि वो आज प्रेजेंट में क्या चल रहा है सिर्फ उसी के बारे में सोचते थे आगे पास्ट में उनको क्या करना चाहिए क्या उनको योजना बनानी चाहिए क्या उनके प्लान्स होने चाहिए उनके मन में कुछ भी नहीं था वो केवल प्रेजेंट के अंदर सोचते थे तो उनसे उनको क्या नुकसान हो रहा था यहाँ पर कुछ ये बात हो रही है देखिए ये जो राजा वगैरह बैठे यहाँ पे इनके बीच में कुछ बात हो रही है द तो द स्टार्ट राजा बा कॉल इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी आउट टू डिफीट हिम अब ये लोग देखिए उस समय पर क्या सोच रहे हैं Up start, राजा बाह मतलब कि कोई राजा बाह हैं वो क्या हो रहे हैं कॉल द इंग्लिश मर्चेंट मतलब कि उन जो merchant जो मतलब की एक राजा बोल रहा है की इंग्लिश मर्चेंट को बुलाओ ताकि वो मेरी हेल्प कर सके दूसरे राजा को हराने के लिए इन इन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो ब्रिटिशर्स आए थे वो लोग क्यों आए हैं यहाँ पे क्या करने वाले हैं ये लोग सोच रहे हैं वो हमसे ज्यादा सुपीरियर है तो हम क्या करेंगे उनकी हेल्प लेके और अपना जो भी जो उनकी जगह है जहां पर वो वो राज किया करते थे इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि इंग्लिश मर्चेंट की हेल्प लेके मैं अपना दायरा या फिर अपना जो किंगडम है उसको और बड़ा कर सकता हूँ लेकिन इनके अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो इंग्लिश जो जो अपने ये ब्रिटिशर्स आए थे वो लोग क्या करने आए थे वो लोग पूरे इंडिया पर कब्जा करने के लिए आए थे अभी तक इंडिया के जो प्रिंस थे अभी तक जो राजा थे उन लोगों को ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है No पीपल तो no है तो राजा एक दूसरे से इतना लड़ा करते थे इतना झगड़ा करते थे तो क्या हो गया था उस समय पर लोगों के बीच में शांति नहीं थी हर तरफ वॉर ही वॉर हो रहा है कोई राजा किसी राजा से लड़ रहा है कोई राजा कुछ राजा से लड़ रहा है अपना किंगडम बढ़ाने के लिए उस तो समय देश में बिल्कुल भी शांति नहीं थी और इस चीज का फायदा किसने उठाया ब्रिटिशर्स ने उठाया।, उठाया। हराने तो के लिए जैसे कि यहां एक राजा बोल रहा है एक राजा दूसरे राजा को हराने के लिए इनकी हेल्प लेते थे ब्रिटिशर्स की हेल्प लेते थे तो इन दोनों की लड़ाई के बीच में दो राजाओं की लड़ाई के बीच में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया आ, इंडियन प्रिंसेस को सब ड्यू सब मतलब इनको कब्जा करना या फिर इनको इनके ऊपर कॉन्क्वेस्ट करना एक के बाद एक ये बहुत ज्यादा इजी हो गया था क्योंकि क्या करते थे इसकी हेल्प की एक एक राजा की इन्होंने हेल्प की उसके बाद क्या किया जैसे उसने दूसरे राजा को हरा दिया तो उसके बदले में उन्होंने उसका जो जीता हुआ जो किंगडम है वो उनसे ले लिया या फिर ऐसा कुछ ले लिया इनकी इनसे ऐसा वादा करके कि हाँ भाई हम दूसरे राजा को हरा देंगे आप हमें ये दे दीजिए या फिर ऐसा करके इन्होंने क्या किया उनको अपने अंडर ले लिया उन राजाओं को अपने अंडर ले लिया और ऐसे एक-एक एक-एक करके इन्होंने सभी राजाओं को अपने नीचे अंडर करके उनका जो सारा किंगडम था था था। उसके ऊपर कॉन्क्वेस्ट कर कर लिया था, कर लिया कब्जा like पर आपको टीपू सुल्तान की एक इमेज दिखाई गई है क्या हो रहा है a image, a ruler. A ruler का मतलब क्या है दूरदृष्टि या फिर के बारे में सोचने वाला कुछ फ्यूचर के बारे में प्लानिंग रखने वाले एक दब राजा हुए थे जिनका नाम था टीपू सुल्तान तो वो टीपू सुल्तान कहाँ के थे मैसूर के फॉर द ब्रिटिशर टिले समझ में आ गया था कि क्या अंग्रेज हमारे साथ करने वाले हैं क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोच रहे थे कि ये जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए हैं ये क्या कर रहे हैं हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं जबकि हमारे ऊपर ही कब्जा कर रहे हैं तो इन्होंने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचा और अंग्रेजों से लड़े और लड़ते लड़ते इनकी डेथ हो गई थी

एक एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या बातें कर रहा है ये बातें कर रहा है थैंक गॉड इज पीस इन द कंट्री जब सारे राजा हार चुके थे सारे राजा एक दूसरे से लड़ वड़ के अपना किंगडम खो दिया था सब कुछ हो गया था तो वॉर खत्म हो गया था अब इस वॉर खत्म होने की वजह से इंडियन लोग क्या सोच रहे थे कि चलो अच्छा है कि ब्रिटिशर्स आ गए ब्रिटिशर्स के आने से क्या हुआ हमारे देश में शांति फैल गई है और नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाईस क्या हो रहा है कि कोई भी वॉर नहीं हो रहा है कोई भी एक दूसरे को ठग नहीं रहा है कोई भी एक दूसरे को लूट नहीं रहा है लेकिन ये सब लोग उल्टा सोच रहे थे क्योंकि आपको पता है कि इंडियंस वर शॉर्ट साइटेड मतलब कि वो वो प्रेजेंट के बारे में सोच रहे थे अपना फ्यूचर वो देख नहीं पा रहे थे अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद और एक जना बोल रहा है कि अवर डेस्टिनी मतलब ये हमारी किस्मत है कि ब्रिटिशर्स हमारे पास आए और हमारी हेल्प कर रहे हैं है ना द वाइट मैन हैज किल्ड और डी थ्रवर किंग्स लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इनको पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है है ना तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द वाइट मैन हैज किल्ड और डी थ्रोन अवर किंग्स मतलब कि कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि uh, मतलब अंग्रेजों ने हमारे राजाओं को मार दिया और डी थ्रोन कर दिया मतलब उनको अपने uh, जो उनका जो थ्रोन था जो उनका सिंहासन था उससे उतार दिया और उस राज्य पे या फिर उस किंगडम पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड और कुछ लोग ये भी बातें कर रहे थे कि भाई सकता है कुछ राजा अच्छे नहीं है लेकिन वो राजा थे तो अपने इंडिया नहीं इसी लैंड के थे इसी जमीन के थे थे तो भारतीय वो, वो हों चाहे ना हो है तो, ना लेकिन बाहर से आकर के कोई फॉरेनर आकर के कोई ब्रिटिशर आकर के उनको कैसे मार सकता है उनको कैसे भला बुरा कर सकता है उनके राज्य पर कैसे अपना कब्जा कर सकता है तो ये सब बातें इंडियंस के बीच में होना चालू हो गई थी नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स है ना तो किसी ने बोला यहाँ पर ये कोई यहाँ पे ये पर्सन बोल रहा है कि अब हम क्या हो गए हैं नाउ वी हैव बिकम स्लेव क्या हो गए हैं हम लोग बंदी बन चुके हैं एक है ना तो ये पे ये बात कर रहे हैं कि अब हम लोग क्या हो गए हैं जब जो तो, वो तो अपने वो ब्रिटिशर्स ने क्या किया है सारे राजाओं को हरा करके उनके राज्यों पे अपने कब्जा कर लिया तो अब हम क्या हो गए उनके बंदी बन गए हैं अब अब जो अब जो भी ये फॉरेनर्स हैं अब हम उनके बंदी बन चुके हैं चलिए आगे चलते हैं अगली पिक्चर में क्या है यहाँ पे अगली पिक्चर में पे ये दे रखा है सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं रिलीजियस लीडर्स प्रीच आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज क्या हो रहा है रिलीजियस लीडर्स रिलीजियस लीडर्स का मतलब होता है धर्म के ज्ञाता अलग अलग रिलीजन्स के जैसे अलग अलग होते हैं जैसे कि अपने हिंदुओं के अंदर क्या होता है पंडित होते हैं और क्रिश्चियंस में क्या होते हैं शायद ये फादर होते हैं और मोमेंट्स में क्या होता है ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग जो धर्म के अंदर जो अलग अलग उनके लीडर्स होते हैं वो लोग क्या कर रहे थे उस समय पर प्रीच आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी है ना बुरी बातें फैला रहे थे क्या बातें फैला रहे थे अनटचेबिलिटी छुआछूत वाली और एंड चाइल्ड मैरिज बाल विवाह जो कि बचपन में बच्चों का विवाह कर दिया जाता है तो ये सब भ्रांतियां या ये सब बातें उस समय इंडियंस के मन में वो लोग बहुत ज्यादा डाल रहे थे तो इससे क्या उनको नुकसान हुआ था इनसे ये नुकसान हुआ था

या फिर वो शिप से जाएगा कैसे भी जाएगा उसको समुद्र पार करके जाना पड़ेगा तो ये लीडर्स ऐसे बोलते थे कि अगर कोई भी इंडियन वो सी क्रॉस करके इंडिया छोड़ के चला गया तो वो अपना रिलीजन को छोड़ देगा या फिर उसका जो वो, अपना वो रिलीजन है वो उससे छीन लिया जाएगा तो ये सब बातें इंडियंस के मन में डाल रहे थे तो लोग ये सोचते थे कि अगर हम इंडिया छोड़ के चले जाएंगे तो हमसे हमारा धर्म छीन लिया जाएगा हमें हमारे धर्म से निकाल दिया जाएगा और क्या लोग बातें बोल रहे हैं ऑल द जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या ये बात बोल रहा है एक ये थोड़ा सा है ये क्या बात बोल रहा है? ये ये वाली बात बोल रहा है कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी बुरी चीजें हो रही है ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड जितनी भी तकलीफें हैं जितनी भी मुसीबतें किसकी वजह से है ड्यू टू वुमन वुमन की वजह से औरतों की वजह से न? तो ये बातें उस समय की बेकार बातें थी पता नहीं कौन कौन से लोग ये वाली बातें ये जो वो लीडर्स होते थे ये बातें इंडियंस के मन में थोप रहे थे डाल रहे थे बुरी बातें और क्या बातें हो रही है द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस है ब्रिटिश कॉन दैम अब कुछ यहाँ पे बातें हो रही है ये जैसे जो ये ये ब्रिटिशर्स है ये क्या बातें कर रहे हैं कि द ट्रुथ वाज इंडियंस हैंड लॉस देअ सेल्फ रिस्पेक्ट सच्चाई क्या है जो फॉरेनर्स जो जो बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स बात कर रहे हैं ये लोग क्या बात कर रहे हैं कि सच्चाई तो ये है कि इंडियंस ने अपना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मविश्वास खो दिया है और क्या हो गया है द ब्रिटिश स्कॉन और ब्रिटिश क्या कर रहे हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनकी जो एकता है या फिर उनकी जो यूनिटी है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं द नेटिव आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी यहाँ पर क्या बात हो रही है ये एक फॉरेनर बोल रहा है कि द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट मतलब नेटिव जो इंडिया के जो लोग हैं वो विश्वास के योग्य नहीं है वो ऑनेस्ट नहीं है ईमानदार नहीं है वो लोग ऐसे वो सब लोग बात कर रहे हैं ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट है ना लेकिन यहाँ पर एक इंडियन खड़ा है जो कि स्लेव है किसका आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है कि एक स्लेव की तरह यहाँ पर एक ये इंडियन खड़ा है इन ब्रिटिशर्स के सामने लेकिन ये क्या बोल रहा है कि हाँ बात तो सच है लेकिन मैं आपका वफादार हूं मैं आपके लिए ऑनेस्ट हूँ

इतने हैवी टैक्स लगाने की वजह से जो पुअर फार्मर्स जो होते थे वो लोग क्या करते थे इनके टैक्सेस नहीं दे पाते थे और वो टैक्स न देने के कारण ये जो फॉरेनर्स थे जो ये ब्रिटिशर्स थे इन्होंने क्या किया उनके जो जमीन है उनकी जो फील्ड है जो खेत वगैरह है उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया या फिर उनकी जो फसल वगैरह थे वो सब कुछ छीन लेते थे अब यहां पर कुछ बातें हो रही हैं बट यूर मैन आर टॉकिंग ऑल माई क्रॉप है ना यहाँ पर कुछ देखो ये एक फॉरिनर है ये एक ब्रिटिशर्स है इंडियन से बातें कर रहा है क्या बातें कर रहा है बट योर मैन आर टॉकिंग ऑल माई क्रॉप लेकिन आपके जो लोग हैं इंडियन से बातें कर रहे हैं आपके जो लोग है मेरी सारी फसल लेना चाहते हैं सारी फसल लेने का मतलब यू आर स्टिल इन एरियस इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू दू जेल तो ये क्या बोल रहा है ये ये बोल रहा है कि आप लोग तो हमारी सारी फसल लेने के बारे में बोल रहे हैं लेकिन फिर ये फॉरेनर क्या बोलता है यू आर स्टिल इन एरियस एरियस का मतलब अभी तक जो तुम्हारी पिछली जो फसल है वो पकाया है इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक अगर तुमने नेक्स्ट वीक तक अगर वो पिछला वाला पे नहीं किया तो आई विल सेंड यू टू जेल मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा नेक्स्ट इमेज देखिए नेक्स्ट इमेज में क्या दे रखा है स्टिल द ब्रिटिशर्स इनवेंटेड अदर मैथड विच गेव दोर प्रॉफिट है नए नए तरीके ढूंढ रहे थे, थे ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा पैसा कमाने के लिए कैसे ऐसी, ऐसी, ऐसी चीजें करने लगे थे इंडियंस के साथ में जैसे की पीछे जो मैंने आपको चीजें बताई उनकी जो जमीन है या फिर उनकी सारी फसल है जो खुद रख लेते थे उनके ऊपर टैक्सेस लगा देते थे जिनसे उनको क्या होता था बहुत सारा पैसा मिलता था सारे टैक्सेस मिलते थे तो अब वो नए नए तरीके इस तरीके से खोजने लग गए थे कि किस तरह से ज्यादा पैसा कमाया जाए तो अब क्या बात हो रही है द गुड मैन्युफैक्चर इन द इंग्लैंड शुड नॉट इंडिया तब क्या हो रहा था तब ये वाली चीज हो रही द गुड्स गुड्स का मतलब सामान मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि इंडिया में कोई चीज हम ऐसे कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई चीज बना रहे हैं उसको बनाने के लिए अगर रॉ मेटीरियल मंगाना है तो कहां से मंगाना है इंग्लैंड से मंगाना है शुड नॉट है हम कोई चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ड्यूटी लगती है ड्यूटी का मतलब उसके ऊपर भी कुछ टैक्स लगता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हमें कुछ सामान लाना या ले जाना होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है लेकिन ये ब्रिटिशर्स क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमें इंग्लैंड से अगर कोई चीज मंगानी है तो उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए तो अ गुड आइडिया दूसरा एक आदमी बोल रहा है कि हाँ बहुत अच्छी बात है द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज और क्या होने लगा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉ ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए नए लॉ बना दिए थे जिन्होंने क्या कर दिया था इंडिया की जो इंडस्ट्री थी इंडिया का जो बिजनेस था उसको सारा बर्बाद कर दिया था सारा कुछ चौपट कर दिया था इनवेंटिबली फैमिनी फॉलोड बिटवीन एटीन ट्वेंटी डाइट और स्टार क्या बात हो गई थी यहाँ पे जब यहाँ पर ये वाली बात हो गई थी कि जब इंडियन बिजनेस खराब होने लगा था तो ब्रिटिशर्स ने क्या वो अपने वो कर दिया था आ, मतलब अपने ही रूल अपने ही लॉ यहाँ पर लागू कर दिए थे है ना यहाँ का बिजनेस सारा चौपट कर दिया था बिजनेस कैसे चौपट हो जाता था हैवी टैक्सेस वसूलने से या फिर उनकी जमीन आवेदन करने से उसकी जमीन अपने कब्जे में कर लेने से क्या हो गया जो तो लोगों का जो बिजनेस था वो छिन गया और लोगों के बिजनेस छिनने की वजह से क्या हुआ इन इनवेंटेबली फैमिलीज ऑफ स्टार विशन का मतलब क्या होता है भूख खाने पीने की कमी अकाल पड़ना तो लोगों के पास जब पैसा ही नहीं रहा तो उनके पास खाने पीने का सामान भी कहां से आएगा उनके पास जीवन जीने के लिए जो उनकी सबसे जरूरी चीज है खाना खाना कपड़े पहनना कोई मकान में रहना तो ये सब चीजें उनके पास जब नहीं रहने लगी तो क्या हो गया 1822 से लेके 1836 के बीच में 15 लाख इंडियंस 15 लाख जो इंडियन लोग थे वो भूख से मर कि इतना उनके पास कमी हो गई थी खाने पीने की कि लाख इंडियंस क्या हो गए थे डेड हो गए थे मर गए थे कब तक 1822 से 1836 तक और क्या हो गया था ब्रिटिश पॉलिसीज मतलब ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज लेके आए थे ऐसे लॉ लेके आ गए थे जिन्होंने इंडिया के अंदर क्या चीज खराब कर दी रूइ का मतलब होता है बर्बाद करना खराब कर देना द एक्सपर्ट्स ऑफ आर्टिशन मतलब क्या होता है आर्टिश मतलब वो लोग होते हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं छोटे छोटे काम करने का मतलब कि अपने घर में ही छोटे छोटे जिनके बिजनेस होते हैं जो अपने हाथ से कोई चीजें बनाते हैं है ना अपने हाथ से जैसे छोटे छोटे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बांस की टोकरियां बनती है या फिर कपड़ों की सिलाई होती है कपड़ों पर जैसे चित्रकारी होती है तो ये जो छोटे छोटे जो बिजनेस हुए थे ये क्या हो गए थे ये ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज लगाकर ऐसे छोटे छोटे बिजनेस को भी खत्म कर दिया था फोर्थ पार्ट है आपका राम मोहन रॉय से लेके 1833 तक क्या हो गया था पे उस समय पे राजा राय एक व्यक्ति थे जो कि उस समय पर अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे और कहा से थे बंगाल से थे और अंडरस्टूड वॉट वॉज रोंग द कंट्री क्या हुआ था उनको समझ आ गया था कि हमारी कंट्री के साथ में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है या फिर होने वाला है तब क्या बात हो रही है उनके बीच में लेटस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्फ अवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट आप जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि कर दिया था, अपनी पॉलिसीज अपने लॉ इंडिया के, थोपना चालू कर थे, पर उनको अपनाने के लिए लोगों को मजबूर तो का जो अपने जो कल्चर है जो हमारी एंशियंट जो हमारा कल्चर है वो क्या है बहुत ज्यादा महान है और हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए है ना आगे क्या हो रहा है एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट और हम

लीडर्स हैं वो हमारे समाज के अंदर जो अंधविश्वास फैला रहे थे तो अब ये वो बातें कर रहे हैं कि जो अंधविश्वास ने हमारी कंट्री को हमारे लोगों को बहका दिया है या फिर हमारी कंट्री को बर्बाद करके रख दिया है He was attracted by the science and modern knowledge. और राजा राम मोहन राय क्या मतलब किस चीज से अट्रैक्ट थे साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज मतलब साइंस से और मॉडर्न नॉलेज का मतलब होता है कि करंट जो समय पर नॉलेज चल रही होती है या फिर हर चीज के बारे में उनको नॉलेज थी

1823 के अंदर उस न्यूज़पेपर को भी बंद कर दिया था। बहुत ज्यादा अलग अलग कलर्स के अंदर होती हैं बट कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम लेकिन सभी के मिल्क का कलर तो कैसा होता है सेम होता है व्हाइट ही होता है इसका मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स जो थे और इंडियंस थे वो थे तो एक ही रंग के एक ही रंग से मतलब सॉरी ये तो अलग अलग रंग के लेकिन है तो इंसान ही वो लोग भी डिफरेंट टीचर्स के अलग अलग टीचर्स के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है बट द एसेंस ऑफ द एवरी रिलीजन इज द सेम लेकिन हर रिलीजन का हर धर्म का जो एसेंस है या फिर कहने का या फिर ज्ञान की जो बातें हैं सबकी जो अच्छी बातें हैं वो सब रिलीजन में सेम ही बताई गई है तो इनका शुरू से कहने का मतलब ये है जैसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं कि काउस या फिर गाय जो भी है चाहे वो कितने भी रंग की हो लेकिन उनका मिल्क का कलर कैसा होगा एक ही होगा व्हाइट होता है और टीचर जो है वो चाहे अलग अलग तरीके से पढ़ाएं, लेकिन उनका पढ़ाने का जो तरीका है उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो सबका सेम होगा और क्या होगा हर चीज का जो हर वो जो वो रिलीजन है जो हर धर्म है के अंदर जो हमको अच्छी बातें सिखाई जाती है वो सब कुछ सेम ही होती है चाहे वो रिलीजन कितने भी तरीके की क्यों ना हो ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी वॉट मेड द ब्रिटिश पावरफुल क्या किया सी क्रॉस किया सी क्रॉस करके मतलब इंडिया से निकल के वो कहा गए इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाके उन्होंने ये देखा कि ब्रिटिशर्स को वो क्या चीज है जो वहां पर उनको इतना पावरफुल बना रही है

आप सभी को एक एज ए मर्चेंट एज ए व्यापारी आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हमार जो आप हम लोगों को जो सब्जेक्ट समझ रहे हैं इनके साथ आपको कैसा बिहेव करना है कैसा बिहेव नहीं करना है तो आप लोगों को ये सब चीजें ध्यान में रखकर ही वहां पर रूल करना चाहिए अब देखिए आपका फिफ्थ पार्ट क्या है ऑपरेशन ऑपरेशन मतलब 1765 से लेके 1835 के बीच में क्या हुआ था बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस्ट इंडियंस अभी तक क्या हुआ था ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ऑपरेस्ट करना उनके ऊपर जुर्म करना कंटिन्यू रखा था छोड़ा नहीं था इन 1818 दे हैव पास ए रेगुलेशन थर्ड और 1818 में 1818 के अंदर उन्होंने एक लॉ पास किया था एक रेगुलेशन पास किया था जिसका नाम उन्होंने रखा था रेगुलेशन थ्री या फिर रेगुलेशन थर्ड उसके अंदर क्या हुआ था अंडर इट एंड इंडियन कोर्ट बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट अगर किसी इंडियन के ऊपर कोई आरोप लगाता है कोई उसके ऊपर खिलाफ कोई कंप्लेन करता है तो उसको विदाउट जेल सॉरी विदाउट कोर्ट भेजे मतलब विदाउट उसकी कोई बात सुने या फिर उसको कोर्ट में या फिर उसको कोई लॉयर देकर या फिर उसके लिए कोई uh, कोई वकील देकर कोई उसकी कोई कोई बात ना सुने बिना ही उसको जेल में डाल दिया जाता था, था मतलब उसका कोर्ट में ट्रायल नहीं होता था

रिटेन से एक्सपोर्ट करके जो सामान मंगाया था उससे इंडिया में इन्होंने सेवन करोड़ रुपीस का इन्होंने बिजनेस किया मतलब कि इतना पैसा उन लोगों ने कमाया गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड और गवर्नर जनरल थे जो कि बेंटिक इन जिनका नाम है बैक होम उन्होंने वापस आकर के क्या बोला द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया इस स्टेटमेंट एक उन्होंने दिया था इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ ऑफ कॉटन कॉटन वीवर्स वीवर्स का मतलब क्या होता है जो कि कॉटन कॉटन मिल्स होती हैं जहां पर का काम होता है रुई का काम होता है कपड़े का काम होता है या फिर जहां पर लोग अपने हाथों से काम करते हैं ठीक है छोटे छोटे जो काम होते हैं जो लोग अपने हाथों से काम करते हैं लेकिन तब तक क्या हो गया था इंडिया के अंदर जब ब्रिटेन वो जो वो मशीनरी लेके आ गए थे जो कि सारा काम अपनी ये मशीनों से होने लग गया था तो हाथ से काम करने वाले लोगों का क्या हो गया था वो काम बंद हो गया था काम छिन गया था तो उन काम छिनने की वजह से उनके पास पैसा भी नहीं था कुछ भी नहीं था तो वो लोग क्या हो गया था उस पैसे के अभाव से या फिर स्टार से भूख से क्योंकि पैसा नहीं होता था तो खाने को नहीं मिलेगा खाने को नहीं मिलेगा तो भूखे रहेंगे भूखे नहीं और भूखे रहेंगे तो क्या हो गए थे बहुत ज्यादा वीक हो गए थे उनकी बोन्स दिखने लगी थी तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स मतलब कि ऐसे काम करने वाले लोगों की जो बोन्स हैं आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया प्लेन्स ऑफ इंडिया का मतलब जो जमीन है इंडिया की उसको ब्लीच कर रहे हैं ब्लीच करने का मतलब कि सब लोग बर्बाद हो जाएंगे वहां पर इंडिया के अंदर ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू ब्रीक सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेसेस क्या हो रहा था उस टाइम तक जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो लोग अपने जो बिजनेस उससे बड़ी-बड़ी ले रहे थे, खूब सारा पैसा ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई क्या हो गया था ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे इंडिया को लूट रहे थे इंडिया में जितना भी उस समय जो भी चीज पैदावार होती थी जिस भी चीज को तो उन्होंने टैक्स लगाया था लैंड पे या फिर क्रॉप पे या फिर जो भी उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया उसके सारा बिजनेस जो है इंडिया का अपने हक में कर लिया था और वाइल्ड इंडियन इंडस्ट्रीज और जो इंडिया की जो इंडस्ट्री थी जो भी यहाँ पे बिजनेस था जो चीजें यहाँ पे बनती थी वो सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई थी द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड सॉरी पार्ट आपका सिक्स है डिससेटिस्फिकेशन डिसकेशन मतलब जो क्योंकि कब हुआ था 1835 से लेके 56 के बीच में अब लोगों में क्या हो गया था गुस्सा बढ़ता जा रहा था चीजें इतनी बढ़ गई थी चीजें इतनी खराब हो चुकी थी इंडिया में माहौल इतना खराब हो चुका था कि लोगों में अब धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो सामने आ रहा था तो क्या हुआ एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन इन संस्कृत इन एटीन थर्टी फाइव तक क्या होता था इंडिया के अंदर एजुकेशन या फिर पढ़ाई किस लैंग्वेज में होती थी या तो संस्कृत में होती थी या फिर पर्शियन लैंग्वेज के अंदर होती थी अ इंग्लिश मैन नेम्ड चेंज और एक Macaulay नाम का एक Englishman था, एक वो था। उसने एक इंग्लिश मैन था था वो ब्रिटिशर उसने चेंज के बारे में सजेस्ट किया क्या चेंज होना चाहिए वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज हमें क्या करना चाहिए अभी कोई वो ब्रिटिशर बोल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए हमें इंडियन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ानी चाहिए आई एग्री तो दूसरा एक वो ब्रिटिशर बोलता है कि हाँ मैं भी एग्री हूं बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया ये क्या हुआ था 1856 तक ब्रिटिशर्स ने लगभग पूरा इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया था आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स अब ये बातें कौन कर रहे हैं यहाँ पर कुछ इंडियंस लोग बातें कर रहे हैं क्या बातें कर रहे हैं कि आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स हमारे जो राजा थे वो क्या हो गए हैं अब पपेट बन के रह गए पपेट का मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने देखे होगी पपेट को कैसे हम लोग वो प्ले करते हैं उसको अपने फिंगर्स के थ्रू हम वो अपने छोटे छोटे धागे बंधे हुए होते हैं जिससे हम उसको डांस करवाते हैं उसको प्ले करते हैं इसी तरीके से पपेट होने का मतलब क्या होता है कि आप किसी और के इशारों पर नाचो या फिर किसी और के कहने पर आप वो काम करो तो इंडियंस क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो किंग्स हैं हमारे जो राजा थे वो ब्रिटिशर्स की पपेट बन के रह गए मतलब कि उनके अंडर में काम कर रहे हैं और अपने जो पुराने हम करते थे या फिर हम जो काम किया करते थे वो सब हमसे हमारा छीन लिया गया एंड लैंड और हमारी ज़मीनें भी छीन ली गई कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स और वो हमारे भाइयों को बहका रहे हैं हमारे भाइयों को बहका रहे हैं मतलब हमारे जो साथ वाले लोग हैं उनको अपनी आर्मी में के अंदर शामिल कर रहे हैं उनको हमारे खिलाफ करना चाहते हैं और यू ओनली टॉक डू सम्राइव द तभी कोई और दूसरा आदमी बोलता है कि हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम उसको इंडिया से निकाल सके इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू द ब्रिटिश गिव जॉब्स अंडर देम और क्या हुआ जब इंग्लिश एजुकेशन जब इंडिया के अंदर बढ़ी तब क्या हुआ कि जो लोग लैंग्वेज सीख जाते थे तो उनको ब्रिटेन के लोग हैं अपने पास एज ए क्लर्क उनको जॉब के लिए रख लिया करते थे इंसिडेंटली इट ऑल्सो अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स और इससे क्या हुआ? एक एक ऐसी ऐसी जनरेशन जनरेशन पैदा पैदा हुई हुई मतलब कि कि जैसे हो गया था इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाना इंडिया के के अंदर उस समय के बाद में तो एक पैदा हुई जो पढ़ी लिखी होती थी। ियल कंडीशन अब कुछ इंडियंस यहाँ पर बातें कर रहे हैं शायद यहाँ पर बातें कर रहे हैं क्या बातें कर रहे हैं हमें हमारे लोगों को पढ़ाना लिखाना सिखाना चाहिए and try to improve their material conditions material condition मतलब कि जो भी उस समय पर जो चल रहा है जो लेटेस्ट न्यूज़ है या फिर जो भी काम उस समय पे हो रहा है उन सब की जानकारी सब लोगों को होनी चाहिए चाहे वो किसी के भी थ्रू हो for that we must convey our uh, grievances to the british parliament इसलिए ये सब लोग क्या कर रहे हैं कि इसलिए हमें हमारी बातों को हमारे हक को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर रखना चाहिए मतलब वहां पर ये चीज डिस्कस करनी चाहिए दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस और इनको लग रहा था अभी भी शायद वो हम इंडिया या फिर इंडिया के लोगों की कुछ बात सुन लें और हमारी कुछ फिक्र करें या फिर हमारे हक में कुछ वो लोग फैसला करेंगे सेवन पार्ट है आपका दस पार इस पार्क का मतलब क्या होता है छोटी सी चिंगारी तो ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए प्लांट्स बनना चालू हो गए थे अब कुछ लोग कानाफूसी कर करके जो है प्लान्स बनाना चालू कर दिया था कि भाई हम इस ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम लोग क्या ऐसी लड़ाई लड़े जिससे ये हमारे इंडिया को छोड़ करके चले जाएं तो ऐसा एक स्पार्क चालू हो गया था स्पार्क का मतलब ऐसी चिंगारी चालू हो गई थी 1855 से लेके 15 17 के बीच सॉरी के बीच में क्या चालू हो गया था टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन देजेंट्स मतलब क्या होता है पेजेंट्स का मतलब वो होता है एक फार्मर अगर किसी और की जमीन पर काम करता है ठीक है जैसे कि फार्मर क्या कर रहा है एज ए अपनी ही जमीन के ऊपर या फिर किसी और की जमीन पर काम कर रहा है और उस काम के बदले में या फिर उस काम के या फिर मान लीजिए कि, कि किसी कोई कोई फार्मर है वो अगर अपने खेत में काम कर रहा है और उसको उस खेत में काम करने के लिए अपना जो सारा जो तो अनाज है या फिर सारा जो क्रॉप है वो ब्रिटिशर्स को वो लोग पे कर देते थे एज ए टैक्स तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं पेजेंट्स

अंडर न्यू लैंड रूल कोई न्यू लैंड रूल उन्होंने कोई पारित किया था कोई निकाला था उसके अंडर में सारी जमीन जो है उन संथाल से छीन ली गई थी बिकम डेस्परेट मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन एंड मास्कड यूरोपियंस इन देयर सपोर्ट लाइक और 1855 के अंदर उन्होंने और दे रोज अ रेबेलियन रेबेलियन का मतलब उन्होंने जो है उनके खिलाफ आंदोलन करना चालू कर दिया था उनके खिलाफ बात करना चालू करती थी अब यहां पर क्या बातें हो रही है इन द ईस्ट ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी कंपनी आर्मी आर्मी टू और की जो आर्मी थी जिसके अंदर इंडियंस भी खूब सारे लोग थे उसके अंदर क्या हो गया था उसके अंदर भी लोगों ने विद्रोह करना चालू कर दिया था उसके अंदर भी लोगों ने अपनी नाराजगी जताना चालू कर दी थी द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मेन्शंस लेव इन सर्वेंट्स और क्या होता था वहां पर वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे और जो उस आर्मी के अंदर जो ब्रिटेन के जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनको क्या हुआ करता था ह्यूज पे उनको बहुत ही अच्छी सैलरी दी जाती थी पेंशन टू लिव इन बहुत बड़े बड़े घर दिए जाते थे और सर्वेंट्स दिए जाते थे नौकर दिए जाते थे वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन जबकि जो इंडिया के जो लोग थे उनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता था उनका प्रमोशन भी जल्दी नहीं किया जाता था मतलब इन दोनों को अलग अलग तरीके से रखा जाता था अंग्रेज टू क्रॉस दी विच इज अगेंस्ट अवर रिलीजन अब लोगों के मन में जो बातें बोली गई थी वो भी यही बातें इंडियन कर रहे हैं कि द अंग्रेज अंग्रेज का मतलब की वही ब्रिटेन के लोग आस कस टू क्रॉस द सी मतलब की अंग्रेज हमें बोल रहे हैं कि हमें ये जो ये सी है या फिर ये समुद्र है इसको पार करके जाना पड़ेगा विच इज अगेंस्ट अवर रिलीजन जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश अवर एज ओल्ड कस्टम्स टोपी वाला टोपी वाला मतलब ब्रिटिशर्स को टोपी वाला बोला गया है क्योंकि आप लोग देखेंगे कि ये जो ब्रिटिशर्स है अगर आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा हो तो ये लोग एक तरह की हैट पहना करते थे टोपी पहना करते थे तो ये जो इंडियंस लोग थे इनको टोपी वाला बोलते थे तो अब वो इंडियन लोग क्या बोल रहे हैं ये टोपी वाले कौन होते हैं जो कि हमारे हमसे हमारा पुराना कल्चर हमसे हमारी पुरानी संस्कृति को छीने Abolish मतलब है खत्म करना या फिर छीनना किसी चीज को तो जब ये वाली बात हुई कि अंग्रेज हमसे कह रहे हैं कि हमें समुद्र पार करके कहीं और चले जाना चाहिए जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है जो कि इन्होंने सब ये बातें जो कि है अंधविश्वास में सीखी थी इंडियंस ने वही बातें यहां कर रहे हैं कि अंग्रेज हम लोगों को बोल रहे हैं कि समुद्र पार करके चले जाओ जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है और फिर एक दूसरा आदमी बोल रहा है कि ये टोपी वाले कौन होते हैं मतलब कि ये ब्रिटिशर्स कौन होते हैं जो कि हमें हमसे हमारा कल्चर लें का मतलब sipois का मतलब ही ठीक है थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपॉयज रिवोल्टेड और ऐसे हजारों लोगों ने क्या किया रिवोल्ट चालू कर दिया मतलब कि विद्रोह चालू कर दिया था क्या किया उन्होंने अपनी जो यूनिफॉर्म थी जो ब्रिटिश आर्मी की जो यूनिफॉर्म थी वो उतार दी वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज और कहने लगे कि हमें अंग्रेजों को यहाँ से ड्राइव आउट करना है देखिये यहाँ पर ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन सिपॉय मंगल पांडे अटैक द अर्जेंट ऑफ द रिलीजन एंड वॉज एग्जीक्यूटेड क्या हो गया था ह्यूमिलिटेड एंड पुट इन आयरन सिपॉय मंगल पांडे एक मंगल पांडे नाम का एक सोल्जर था जो की आप लोगों ने शायद देखियो उसके अंदर क्या हुआ था सबसे पहले जो रिवोल्ट चालू किया था उन्होंने मंगल पांडे ने चालू किया था ब्रिटिश आर्मी के अंदर और अटैक द एडजेंट ऑफ द रेजिमेंट उन्होंने अपनी रेजिमेंट के मतलब कि अपने ऑफिसर्स के या फिर जो उनकी आर्मी की जो एक वो एक वो टुकड़ी थी उसी के अंदर उन्होंने सबसे पहले रिवोल्ट चालू किया और रिवोल्ट चालू करके उसी के अंदर वो लोग पकड़े गए थे Few Englishmen had cared. Oh, proud Brahmin soldiers, do you you know that the 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 grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cow and pigs? क्या हो रहा है? कुछ, बाते मतलब कुछ इंडियंस बातें कर रहे हैं कि सारे अंग्रेज ऐसे नहीं है कुछ अंग्रेज हैं जो हमारी मदद करते हैं Oh, proud Brahmin soldiers. अब कोई और बोल रहा है कि अरे जो आर्मी के अंदर जो ब्राह्मीण जो सोल्जर्स थे कुछ बात बोल रहा है कि डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट उस समय क्या हुआ करता था जो गन्स होती थी बंदूक होती थी उसके अंदर एक तरह की एक लंबी सी बुलेट डालते थे और उस बुलेट के ऊपर एक कवर होता था एक तरह का ग्रीस होता था था जिसको जिसको क्या करना पड़ता यू हैव टू बाइट काट करके अपने माउथ से काट के उस गन के अंदर डालते थे और फिर वो गन जो है चलती थी तो यही बात यहाँ पे हो रही है एक इंडियन दूसरे इंडियन को बता रहा है कि एक ब्राह्मी सोल्जर्स को वो बता रहा है कि तुम जो बुलेट यूज करते हो अपनी गन के लिए उस गन के अंदर क्या होता है एक तरह का ग्रीस लगा होता है एक तरह का कवर लगा होता है जो कि मतलब फैट से बनता है वो फैट जो भी है वो कवर जो है वॉट टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम्स और व्हाइट मैन हैजीव टू अब ये लोग ये भी बातें करने लग गए हैं कि हमसे जो जो ये अपने जो हैं उन्होंने क्या किया कि हमसे हमारा धर्म भी छीन लिया है मतलब कि जैसे ग्रामीण जो है वो पिग्स या फिर काउज वगैरह जैसे कुछ नहीं खाते हैं लेकिन उन्होंने क्या करना पड़ता था उनको वो बुलेट जो है उसको गन में डालने के लिए सबसे पहले उसको अपने मुंह से काटना पड़ता था जिससे जो है इनका रिलीजन इनको वो आज्ञा नहीं देता सोन चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टेल द पीपल दैट देयर एम्पर वुड वॉन्ट देयर सर्विसेज क्या हो गया है सोन चपातीज फ्रॉम विलेज टू तो विलेज क्या हुआ जल्दी ही चपातीज मतलब रोटियां क्या क्या होने गांव में लोग बांटने लगे और उसके बहाने होता था? वो रोटी जब देने जाते थे तब सब लोग गांव वालों को कहते थे कि हमें आपकी हेल्प की जरूरत है अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए सिमिलरली तो तरीके से इंडियन सोल्जर्स को भी क्या बांटे गए सर्कुलेटेड लोटस फ्लावर्स मतलब कमल के फूल बांटे गए इंडियन सोल्जर्स के बीच में और उनको ये बताया गया कि हमें क्या करना है डेथ टू फॉरेनर्स मतलब कि वही बात है अंग्रेजों को ड्राइव आउट करना है इंडिया से यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी और ये सब लोग जो यहाँ पे बातें हो रही है कि हाँ हमारे जो सभी गाँव वाले आपकी हेल्प करेंगे या आप अंग्रेजों के खिलाफ जो भी चीज करेंगे उसमें हम हमारे सभी गाँव वाले आपकी हेल्प करेंगे द मैस हाँ, द मासिस गेव ऑल द हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियॉट्स और जो भी इस आंदोलन में शरीक होगा या फिर जो भी आंदोलन करेगा हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे उसको पूरी सहायता देंगे अब एट पार्ट आपका रिवोल्ट रिवोल्ट के अंदर अब वो चीज हो चुकी थी मतलब अब वो आंदोलन चालू हो चुका था अब उसके अंदर क्या हुआ 1857 के अंदर आपको ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले इंडियन के अंदर जो ब्रिटिश लोगों को भगाने के लिए जो रिवोल्ट चालू हुआ था सबसे पहला 1857 के अंदर चालू हुआ था देन ए आउटब्रेक इन द मेरठ और सबसे सबसे पहले पहले मेरठ मेरठ के के अंदर के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य एक नाम का एक जिला है उसके अंदर सबसे पहले की क्या हुआ था आउटब्रेक हुआ था मतलब कि सबसे पहले वो जो वो रिवोल्ट चालू हो गया था मतलब कि वहां से आंदोलन सबसे पहले चालू हो गया था द रेबिलियन स्प्राइट वाइडर और जो रेबिलियन थे

अभी दोबारा उनकी हेल्प ले रहे थे और क्या नारे लगा रहे थे लॉन्ग लिव अः अवर एम्पर बहादुर शाह उस समय के दिल्ली के जो राजा थे बहादुर शाह उनका ये नारा लगा रहे थे कि वो जिंदाबाद मैनी लैंडलॉर्ड लॉस्ट देयर लैंड ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देवर सोर ऐसे बहुत सारे राजा थे जिन्होंने क्या हुआ था मैनी लैंडलॉर्ड मतलब बहुत सारे जमींदार थे बहुत सारे राजा थे हैड लॉस्ट देयर लैंड्स उन्होंने अपनी जमीनें खो दी थी बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज ब्रिटिश लॉ के अंडर ब्रिटिश पॉलिसीज के अंदर एंड देवर सोर अब वो खराब हो चुके थे बर्बाद हो चुके थे द द्वट मैं सब बातें चल रही है अंग्रेजों का जो अधिकार है या फिर अंग्रेजों का जो रूल है वो खत्म होना चाहिए यस वी विल हेल्प यू हाँ हम भी तुम्हारी मदद करेंगे तो ये सब जगह क्या होने लगा था लोगों में आक्रोश फूटने लगा था मतलब लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था लोग रिवोल्ट करने लगे थे लोग क्या हुए थे रेबल बन गए थे आपका जो नाइन्थ पार्ट है द फाइट फॉर द फ्री दा फ्रीडम मतलब कि फ्रीडम के लिए फाइट होना आप चालू हो गई थी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई होना चालू हो गई थी 1857 के अंदर मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बेटर फॉर्मर रूलर मतलब कि जो पहले रूलर थी अब नहीं है क्या हो गया था मैनी फॉर्मर रूलर लाइक बेगम हजरत बेगम हजरत एक वो, वो रूलर थी जो कि कहाँ की कहां के थी लखनऊ की वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्यों थी गुस्से में क्योंकि उनसे भी उनकी लैंड छीन ली गई थी वो क्या बात कर रही है द मैन हैज टेकन अवे माय किंगडम किंगडम ने मुझसे मेरा छीन लिया मेरा राज्य छीन लिया दे ज्वाइन दर्ज अगेंस्ट द फॉर अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे अजीमुल्ला खान यहाँ पर जैसा आपको दिखाया गया है ये तो तात्या टोपे की हेल्प ली जा रही है अजीमुल्ला खान जो है वो तात्या टोपे को क्या बता रहे हैं नाना उस समय के एक वो थे या फिर राजा थे उनको हमारा लीडर बनाना चाहिए तो ये सब आपस में प्लान बना रहे हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों को बाहर भगाया जाए पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला टोल्ड द पीपल और उस समय के एक फेमस जो कि मौलवी थे जिनका नाम क्या है अहमदुल्लाह फैजाबाद टोल्ड द पीपल लोगों को क्या बता रहे थे राइज़ ब्रदर राइज़ मतलब उठो या फिर जागो लोगों जागो द अंग्रेज आर रूइनिंग अवर लैंड ये जो अंग्रेज हैं जो ब्रिटिशर्स हैं हमारी जमीन को हमारी धरती को खराब कर रहे हैं द पीपल रोज़ इज एवरीवेयर और लोग जगह-जगह से उठने लगे जगह-जगह से उठने का मतलब है कि लोग लोगों में आक्रोश पहले से ही था लेकिन जब थोड़ा सा भी ये ये रिवोल्ट चालू चालू हुआ जब फ्रीडम के लिए थोड़ी सी ये थोड़ी सी सी फाइटिंग हुई उस समय लोगों में हिम्मत आई और इंडिया के जगह जगह से लोग उठने लगे और अपनी हेल्प करने लगे द पीपल रोज इज एवरीवियर इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद बरेली कानपुर इलाहाबाद में भी क्या होने लगा फाइट फाइट होने लगी है ना एटी ईयर्स ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन इज रिस्ट और 80 इयर्स के ये देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है 80 साल के एक जो राजा थे जिनका नाम था कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट मतलब रिसीव्ड अ बुलेट मतलब उनको इस फाइटिंग में एक बुलेट रिसीव हुई उनको एक गोली लगी थी इन हिज रिस्ट अपनी कलाई के अंदर मदर गंगा दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू यू और वो ये कहते हुए उनकी डेथ हो गई उन्होंने ये बोला कि मदर गंगा दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू यू मतलब कि गंगा माता जब वो बोट में बैठे हुए थे जैसे कि यहाँ पर देखिए ये बैठे हुए हैं इस रिस्ट में उनको चोट लगी हुई है यहाँ पर उनको बुलेट लगी हुई है और वो क्या बोल रहे हैं कि गंगा माता ये मेरी लास्ट ऑफरिंग है ये मेरी लास्ट दान है आपको देने के लिए और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर थर्ड द ग्लिम्पिस ऑफ पास्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर थैंक यू